हेलो फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका स्वागत है। आज हम ऊन और मोती को मिलाकर सुंदर सा गोल आकार का डिज़ाइन बनाएंगे। फ्रेंड्स, आप ये डिज़ाइन एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और यह देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। मोती लगा देने से यह और भी ज़्यादा सुंदर दिखता है। मोती को मैंने अलग से नहीं लगाया है, इसे मैंने साथ में ही लगाया है। इस मैट को आप डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल या फिर कॉर्नर का छोटा सा टेबल के ऊपर सजाने के लिए आप बना सकते हैं। अगर आप यह डिज़ाइन से थालपरोस बनाना चाहते हैं तो भी आप थालपरोस के लिए पतला ऊन जो आता है उससे आप या फिर धागे से आप बना सकते हैं। मैंने जो टेबल का मैट बनाया है इसका जो साइज़ है वो 14 इंच है। ऊन जो है हम अपने पसंद के हिसाब से लेंगे। फ्रेंड्स, आपको जो भी कलर का ऊन पसंद है आप ले सकते हैं। क्रूश यहाँ मैंने 4 mm लिया है और मोती का जो साइज़ है मैंने यहाँ पर 3 mm लिया है। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। टोटल 14 राउंड है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी ताकि आप आसानी से बना सकें। सबसे पहले हम सुई की मदद से टोटल 16 मोती हम ऊन में इस तरह से डाल देंगे, फिर हम फर्स्ट राउंड बनाना शुरू करेंगे। ऊन को हम इस तरह से उंगली में लपेटेंगे और क्रूस को हम इस तरह से फंसा देंगे। अभी हमें टोटल 4 चैन तैयार करना है। 1, 2, 3 और ये 4। हमारा 4 चैन तैयार हो गया है। हमने जो फर्स्ट वाला चैन बनाया था उसमें हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को हम इस तरह से अंदर की तरफ निकाल लेंगे तो हमारा छोटा सा रिंग तैयार हो गया। फिर हम 3 चैन लगा देंगे, ये हमारा 3 चैन तैयार हो गया। इस रिंग के अंदर हमें टोटल 15 डबल क्रूशिया तैयार करना है। क्रूश में हम फंदा लेंगे और इसे हम अंदर की तरफ डालते हुए निकालेंगे, फिर 3 का 2 और 2 का 1 कर देंगे। ये हमारा डबल क्रूशिया हो गया। इसी तरीके से टोटल हमें 15 बनाना है। चैन को मिलाकर फर्स्ट राउंड में टोटल 16 डबल क्रूशिया तैयार हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट राउंड तैयार हो गया। हमने जो चैन बनाया था उसके ऊपर हम क्रूस को इस तरह से डालेंगे और ऊन को हम अंदर की तरफ निकालते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। हमारा फर्स्ट राउंड तैयार हो गया। सेकेंड राउंड में हमें टोटल 16 पंखुड़ी तैयार करना है। 2 चैन के बीच में हमें बनाना है। क्रूश में हम फंदा लेंगे और इसे हम 2 चैन के बीच में इस तरह से डालेंगे और ऊन को बाहर निकालेंगे। अभी हमारे पास क्रूश में 3 है तो 3 का हम 2 कर देंगे। फिर से हम क्रूश में फंदा लेंगे और अंदर की तरफ डालते हुए निकालेंगे तो अभी 4 है तो 4 का हम 3 करेंगे। फिर से हम फंदा लेंगे और अंदर की तरफ डालते हुए निकालेंगे तो अभी टोटल 5 है तो 5 का हम 4 कर देंगे। फिर से हम क्रूस में फंदा लेंगे और इसे हम अंदर की तरफ डालते हुए निकालेंगे तो अभी हमारे पास 6 है तो 6 का हम 5 कर देंगे। क्रूस में हम फंदा लेंगे और इस तरह से अंदर की तरफ डालते हुए बाहर निकाल देंगे। अभी हमें यहाँ पर मोती को ऐड करना है तो मोती को हम इस तरह से लगाएंगे और इसे हम इस तरह से लॉक करके 1 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा पंखुड़ी जो है तैयार हो गया है। इसी तरीके से हमें टोटल 15 और बनाना है। क्रूश को हम नेक्स्ट वाले चैन के बीच में डालेंगे और 3 का अब हम 2 करेंगे। फिर से हम फंदा लेंगे और अंदर की तरफ डालेंगे और 4 का हम 3 करेंगे। फिर से हम फंदा लेंगे और अंदर की तरफ डालते हुए हम 5 का 4 कर देंगे। फिर से हम फंदा लेंगे और हम 6 का 5 कर देंगे। फिर हम ऊन को अंदर की तरफ लेंगे और यहाँ पर हम मोती को ऐड करेंगे, फिर इसे हम लॉक करके 1 चैन लगा देंगे। तो इसी तरीके से हमें सेकेंड राउंड जो है कंप्लीट करना है। हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। हमने जो फर्स्ट वाला चैन बनाया था वहाँ पे हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को अंदर की तरफ निकालते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। कैंची की मदद से हम ऊन को कट कर लेंगे और ऊन को हम क्रूस की मदद से पीछे की तरफ फंसा देंगे। मोती
मोती को हम इस तरह से आगे की तरफ कर देंगे। अब हम इसमें दूसरा कलर का ऊन को जोड़ेंगे। अब हम थर्ड राउंड तैयार करेंगे। ऊन को हम इस तरह से अंदर की तरफ निकालेंगे और इसमें हम एक चैन लगा देंगे ताकि ये अच्छे से लॉक हो जाए। थर्ड चैन में हमें टोटल 16 पंखुड़ी बनाना है, जैसे कि हमने सेकेंड राउंड में बनाया था। ऊन को हम अंदर की तरफ लेंगे इस तरह से, फिर हम 4 का 3 कर देंगे, फिर से हम क्रुश में ऊन लेंगे और 5 का 4 कर देंगे, फिर से हम अंदर लेंगे और 6 का 5 कर देंगे, फिर सभी को हम एक साथ लॉक करके इसमें हमें 1 चैन लगा देंगे। ये हमारा 1 पंखुड़ी तैयार हो गया है। इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। 2 पंखुड़ी के बीच में हमें 1 पंखुड़ी तैयार करना है और बीच में हमें 1 चैन लगा देना है। ये हमारा दूसरा पंखुड़ी भी तैयार हो गया, इसमें हम 1 चैन लगा देंगे। इसी तरीके से हमें थर्ड राउंड जो है कंप्लीट करना है। ये हमारा थर्ड राउंड जो है कंप्लीट हो गया। चैन में हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को हम अंदर की तरफ निकालते हुए इसे हम इस तरह से लॉक कर देंगे। कैंची की मदद से हम ऊन को कट करेंगे और क्रूशिया से हम पीछे की तरफ इसे हम फंसा देंगे। अब हम इसमें दूसरा कलर का ऊन को जोड़ेंगे और हम 4th राउंड बनाएंगे। क्रूस से ऊन को आगे की तरफ करके इसमें हम 1 चैन लगा देंगे। 4th राउंड में हमें 1 2 1 2 इस तरीके से पंखुड़ी लास्ट तक तैयार करना है। तो सबसे पहले हम 1 पंखुड़ी तैयार करेंगे। ये हमारा 1 पंखुड़ी तैयार हो गया, इसे हम लॉक करके 1 चैन लगा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाले में हमें 2 पंखुड़ी तैयार करना है, तो पहले हम 1 बना लेते हैं। ये हमारा 1 पंखुड़ी तैयार हो गया, इसे हम लॉक करके इसमें हम 1 चैन लगा देंगे और इसी में हमें एक और बनाना है। तो हमें 4th राउंड में 1 पंखुड़ी 2 पंखुड़ी 1 पंखुड़ी 2 पंखुड़ी इस तरीके से लास्ट तक बनाना है। ये हमारा 4th राउंड कंप्लीट हो गया। लास्ट वाले चैन में हम इस तरह से क्रूस को अंदर की तरफ डालते हुए ऊन को बाहर निकाल के इसे हम लॉक कर देंगे। कैंची की मदद से हम ऊन को कट करेंगे और क्रूस से हम पीछे की तरफ इसे फंसा लेंगे। अब हम 5th राउंड बनाएंगे। इसके लिए हम ऊन में टोटल 16 मोती जो है सुई की मदद से इसमें डालेंगे। क्रूस को हम अंदर डालेंगे और ऊन को बाहर की तरफ निकाल के यहाँ पर हम 1 चैन लगा देंगे। अब हम 5th राउंड बनाना स्टार्ट करेंगे। हमें 2 पंखुड़ी के बीच में 2 बनाना है और 1 के ऊपर हमें 2 बनाना है। तो 5th राउंड में हमें 2+2+2 इस तरीके से लास्ट तक बनाना है। तो पहले हम 1 बना लेते हैं।
ये हमारा वन पंखुड़ी तैयार हो गया। इसे हम लॉक करके इसमें वन चैन लगा देंगे। फिर हम इसके बीच में मोती को लाएंगे और इसी में हमें फिर से एक बार और पंखुड़ी तैयार करना है। तो फिर से हम क्रूच में फंदा लेंगे और अंदर की तरफ डालते हुए बाहर निकालेंगे और 3 का 2 और फिर से फंदा लेंगे और 4 का 3 करेंगे, फिर से फंदा लेंगे और 5 का 4 करेंगे और लास्ट हम फिर से फंदा लेंगे और 6 का 5 करके सभी को हम एक साथ लॉक करके वन चैन लगा देंगे। ये हमारा 2 तैयार हो गया। अब हमें नेक्स्ट वाले 1 के ऊपर हमें फिर से 2 बनाना है। तो 5th राउंड में हमें 2-2 करके ही बनाते जाना है। ये हमारा 1 तैयार हो गया। इसे हम लॉक करके 1 चैन लगा देंगे और फिर हम इसके बीच में मोती को रखेंगे और इसी में हम एक बार और पंखुड़ी बना लेंगे। ये हमारा 5th राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट वाले चैन में क्रूस को डालेंगे और ऊन को हम बाहर की तरफ निकाल के इसे हम लॉक कर देंगे। फिर हम सीजर की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। हमारा 5th राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें दूसरा कलर का ऊन को जोड़ देंगे। क्रूस को हम अंदर की तरफ लेंगे और ऊन को बाहर निकाल के इसमें हम एक चैन लगा देंगे। अब हम 6th राउंड बनाएंगे। 6th राउंड में हमें 2-1-2-1 इस तरीके से बनाना है। 2 पंखुड़ी के बीच में हमें 2 बनाना है। तो पहले हम 2 बना लेते हैं। ये हमारा 1 पंखुड़ी हो गया। इसे हम लॉक करके 1 चैन लगा देंगे और इसी में हम एक बार और बना लेंगे। ये हमारा दूसरा भी तैयार हो गया। इसे हम लॉक करके इसमें 1 चैन लगा देंगे और इसके बाद हम 2 पंखुड़ी के बीच में 1 बनाएंगे। ये हमारा 1 तैयार हो गया। इसे हम लॉक करके इसमें हम चैन लगा देंगे। इसके बाद हम फिर से 2 बनाएंगे। तो हमें 6 राउंड में 2-1-2-1 इस तरीके से लास्ट तक बनाना है। हमारा 6th राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम 7 बनाएंगे। ऊन को हम इस तरह से बाहर की तरफ निकालेंगे और इसमें हम 1 चैन लगा देंगे।
सेवन्थ राउंड में हमें 1 1 2 1 1 2 इस तरीके से बनाना है। पहले हम 1 पंखुड़ी बनाएंगे, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 1, फिर 1, फिर 2, इस तरीके से हमें बनाना है। तो पहले हम 1 बना लेते हैं। ये हमारा 1 तैयार हो गया है, इसे हम लॉक करके 1 चैन लगा देंगे। फिर हम नेक्स्ट वाले में 1 बनाएंगे। ये हमारा 1 तैयार हो गया, इसे हम लॉक करके 1 चैन लगा देंगे। और इसके बाद नेक्स्ट 2 के बीच में हमें 2 बनाना है। तो सेवन्थ राउंड में हमें 1 1 2 1 1 2 इस तरीके से लास्ट तक बनाना है। ये हमारा 2 तैयार हो गया, इसे हम लॉक करके 1 चैन लगा देंगे। ऐसे ही हम बनाते जाएंगे। इसके बाद हम 1 बनाएंगे। हमारा 7 राउंड हो गया। 8 राउंड में हम ऊन में फिर से 32 मोती डालेंगे और ऊन को हम इस तरह से जोड़ देंगे। क्रूस को हम अंदर की तरफ डालेंगे और ऊन को बाहर निकाल कर इसमें हम 1 चैन लगा देंगे। 2 के बीच में हमें 2 पंखुड़ी बनाना है, तो पहले हम 1 बना लेते हैं और फिर इसके बीच में हम मोती डालकर फिर हम इसके अंदर एक और बना लेंगे। ये हमारा 1 तैयार हो गया, इसे हम लॉक कर देंगे और इसके बीच में हम मोती डालकर फिर से हम एक चैन लगाएंगे और इसके बीच में हमें फिर से एक और पंखुड़ी तैयार करना है। 8 राउंड में हमें 2 1 2 1 2 1 इस तरीके से लास्ट तक बनाना है। हमारा 2 तैयार हो गया, फिर हमें नेक्स्ट 2 के बीच में 1 बनाना है, तो यहाँ पर हम 1 बना लेते हैं। ये हमारा 1 तैयार हो गया, इसे हम लॉक कर देंगे। फिर हम मोती को बीच में डालकर फिर इसे भी हम लॉक कर देंगे। बस इसी तरीके से हमें लास्ट तक बनाते जाना है 2 1 2 1 करके।
ये हमारा 8 राउंड कंप्लीट हो गया। लास्ट वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को हम बाहर की तरफ निकाल के इसे हम लॉक कर देंगे। फिर हम इसे कैंची से कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा 8 राउंड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम 9 राउंड से 14 राउंड तक कंप्लीट करेंगे। आशा करते हैं कि आपको यह मेरा डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।